लेकिन जिस जाति ने मेरा गडाउन जलाया 2009 में, शायद नौ आठ में, और मैंने उनको कुछ नहीं कहा और माफ कर दिया, उसी जाति से परमेश्वर ने मेरी वाइफ मुझे दी है। वो क्या बोलता हूं, जिन लोगों से शैतान आपको नफरत करवा रहा है, वही लोगों को परमेश्वर आपके जरिए ब्लेस करना चाहता है। मालूम पता है कि नहीं, शायद आपको ना बताओ, जो लोग आपका विरोध कर रहे हैं उन्हीं लोगों को परमेश्वर आपके जरिए ब्लेस करना चाहते हैं, पता है कि नहीं। 2009 में 50 लोग आते थे चर्च में, बस समझ लो कि ये दो लाइनें चर्च थी। हाँ, तो उनको प्रचार में ऐसे ही करता था बिना रुके, ये नहीं 50 है तो ठंडे ठंडे, लाखों बैठे हैं तो गरम गरम, ऐसा नहीं था, इसी जोश से होता था। उनको प्रचार कर रहा था मैं, और शाम को मेरे गडाउन पे जो लाखों का सामान था सैनिटरी का, टाइल्स का, लोगों ने आग लगा दी। अगले दिन आए चर्च वाले 50-60 लोग, बम मारा हुआ जी, बम मारा हुआ पास्टर जी, तो बीबियां कर दिया। मैंने कहा तुम वचन पढ़ते हो क्या? उसने कहा हाँ। मैं क्या लिखा वचन में? लिखा कि सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं जो मसीह यीशु से प्रेम करते। अब इसमें भी भलाई क्या हो सकती है? वो शायद मेरी परीक्षा थी कि मैं क्या बोलता हूं अभी। इस सेवकाई जस्ट स्टार्ट हुई है और आग लग गई, और फायर ब्रिगेड को फोन कर टंगे हुए थे तब शहर में, कोई संत मर गया था कहीं बाहर वियना ऑस्ट्रिया में, कोई गोली मार दी थी, और यहां पे लोगों ने पूरे आग लगा दी थी सब जलंधर में, तो उसमें हमारा गडाउन भी था। और जब वो गडाउन जला तो अब शैतान ने मुझे बोला कि अब क्या करेगा तू, अब प्रीच कर, तो यही बिजनेस की तू बड़ी गवाहियां देते हैं, प्रभु ने ब्लेस किया मुझे, ब्लेस किया, अब तेरा बिजनेस भी चला दिया, ले अब गवाही दे तू। अब मुझे या तो लड़ना है या पीछे हट जाना है। तब मैंने लड़ने का फैसला किया, मैंने कहा नहीं, मैं फाइट करूंगा, सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है, वचन मेरा हथियार होगा, ये मेरी लड़ाई का तलवार होगी, इस तलवार से मैं लड़ूंगा शैतान के साथ कि सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती। तब क्या हुआ, वो चर्च जो 50 से शुरू हुई थी उसी साल 500 से ज्यादा क्रॉस कर गई थी। वो जो अप्रैल में स्टार्ट हुई थी, क्रिसमस 500 लोगों में थे हम, और ऑलमोस्ट जलंधर के सब पास्टर से मैं क्रॉस कर गया था सिर्फ उसी साल में, और खड़ा रहा और अड़ा रहा। और जिन लोगों ने मेरा गडाउन जलाया वो लोग मुझे मालूम थे। अब मैं केस कर सकता था उन पे, उनको फंसाता, लेकिन जिस जाति ने मेरा गडाउन जलाया 2009 में, शायद नौ आठ में, और मैंने उनको कुछ नहीं कहा और माफ कर दिया, उसी जाति से परमेश्वर ने मेरी वाइफ मुझे दी है। तो जिस जाति ने शैतान ने जिसको यूज किया मेरा नुकसान करने के लिए, जब मैं प्रभु में खड़ा रहा, मेरी लाइफ की बिगेस्ट ब्लेसिंग भी उसी से आई है। क्या बोलता हूं मैं, फाइट करो। आप समझ रहे कि नहीं? आप समझ रहे कि नहीं? शैतान दिखाना चाहते हैं कि जो प्रभु कर रहा है वो सही नहीं, जो परमेश्वर कर रहा है वो सेंसलेस है, जो परमेश्वर कर रहा है वो सही नहीं। आपकी लाइफ में ऐसा टाइम आएगा जब साइलेंट टाइम होगा, आपको लगेगा कि कहां काम हो रहा है परमेश्वर का। मैं इतनी प्रेयर कर रहा हूं, मैं टाइट दे रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बाइबल पढ़ रहा हूं, मेरे बच्चे को चर्च लेके जाता हूं, कहां काम हो रहा है? ये मेरी लाइफ में हो चुका है 8 साल 9 साल 10 साल, लेकिन साथ साथ परमेश्वर मुझे निशानियां देता, साइंस देता था, मैं तेरे साथ हूं, ब्लेसिंग्स अलग अलग तरह की मिलती थी, और मुझे मालूम था कि परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे गिरने नहीं देता था, संभाल के रखता था, मुझे मालूम था निशानियां मिल रही, परमेश्वर मेरे साथ है। बहुत सारी चीजों के साथ मुझे मालूम होता है परमेश्वर मेरे साथ है। जो मैं मांग रहा हूं शायद अभी मुझे मिल नहीं रहा, लेकिन वो मिलेगा एक दिन। मैं फाइट करता रहूंगा, लड़ता रहूंगा, मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आमीन। आप समझ रहे बात को कि नहीं? आपकी फाइट अलग है, मेरी अलग है, आपकी अलग है, साथ की अलग है, इसकी अलग है, इसके इनकी अलग है, सबकी अलग अलग फाइट है। आपको अपनी फाइट खुद लड़नी है, उसके आगे एक ग्लोरियस इनाम आपके लिए रखा हुआ है, ग्लोरियस नाम आपके लिए रखा हुआ है, ग्लोरियस परिवार आपके लिए रखा हुआ है। आमीन। चाहिए बरकत आपकी ये चर्च। इसलिए परमेश्वर ने कहा अपना पलटा खुद मत लो।
मुझे मौका दो, मैं दूंगा तुम्हें पलटा और मजेदार पलटा दूंगा। हाँ हाँ या ना, यही तो परमेश्वर चाहता है आपकी लाइफ। उसका प्लान सिर्फ दाऊद के लिए नहीं था कि मैं तेरे नाम को बड़े लोगों के समान महान कर दूंगा, उसका प्लान आपके लिए है, आप लोगों के लिए है। मैंने कहा वो आप लोगों के लिए है, आपके बच्चों के लिए है, आपके परिवार के लिए है। आमीन। चाहिए बरकत आपकी चर्च। हालेलुया हालेलुया।